नमस्कार, आपका स्वागत है YouTube चैनल ITI कैंपस इंटरव्यू में। ITI डिप्लोमा, ध्यान रखें, 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो उनके लिए राजस्थान मेगा जॉब फेयर 2023 का आयोजन किया जा रहा है, दो दिवसीय, जिसमें 60 कंपनियां आ रही है। दोबारा से सुन लीजिए, भारत की 60 बड़ी कंपनियाँ हैं वो प्लेसमेंट के लिए आ रही है रोज़गार देने। राजस्थान मेगा जॉब फेयर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जाने से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। कुछ ऑप्शन होंगे कि सभी राज्य के स्टूडेंट जा सकते हैं या राजस्थान के कैंडिडेट को लिया जाएगा, वो मैं विज्ञप्ति के माध्यम से बताऊंगा। टोटल वैकेंसीज है वो 15,000 बच्चों का सिलेक्शन किया जाना है। 15,000 बच्चों को इस प्लेसमेंट के माध्यम से रोज़गार मिलेगा, तो ये ध्यान रखें। सैलरी आपकी रहेगी 14,000 से 32,000 रुपये तक आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। इन 60 कंपनियों की अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, अलग अलग बेनिफिट्स रहेगी, अलग अलग क्वालिफिकेशन रहेगी और ऑल इंडिया में अलग अलग जॉब प्लांट देखने को मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए। अनुभव की कोई ज़रूरत नहीं है, योग्यता 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा सबके लिए रोज़गार है। वीडियो को बिना स्किप किए देखें। प्रतिदिन 3 वीडियो अपलोड की जाती है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से वैकेंसीज हो चाहे प्राइवेट सेक्टर से वैकेंसीज हो। नोटिफिकेशन हमारे पास जैसे ही मेल पे या मैसेज द्वारा किसी तरह से नोटिफिकेशन हमारे ग्रुप में पहुंचता है तो आपके लिए प्रतिदिन 3 वीडियो अपलोड की जाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। ITI Job 2021 गूगल क्रोम ब्राउजर में सर्च कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपको वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ले चलते हैं ITI Job 2021 पे। उससे पहले निवेदन है कि YouTube चैनल पे फर्स्ट वाले चैनल को लो सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत, करना कुछ नहीं है, ITI Job 2021 सर्च करोगे तो नोटिफिकेशन डिटेल देखने को मिल जाएगी। 60 बड़ी कंपनियों का विशाल रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1500 बच्चों की ज़रूरत है, 15,000 बच्चों की ज़रूरत है, ये विशेष करके ध्यान रखें। यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आप कवर करोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पोजीशन की बात करते हैं तो ट्रेनिंग बेसिस पे सिलेक्शन किया जाना है। जॉब प्लांट की बात करते हैं तो ऑल इंडिया में आपकी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगी। भारत में ये सभी आपकी लोकेशन के हिसाब से आपको जॉब दी जाएगी। सैलरी आपकी रहेगी वो 14,000 से 32,000 रुपये तक सैलरी देखने को मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन योग्यता की बात करते हैं तो 10वीं पास के भी बच्चे जा सकते हैं, 12वीं पास के भी जा सकते हैं। ITI डिप्लोमा किसी भी डिग्री, किसी भी ट्रेड, किसी भी ब्रांच से है तो भी जा सकते हैं, और ग्रेजुएट है BA BCom BSc वाले स्टूडेंट भी जा सकते हैं। अनुभव की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने साफ तौर पर कर रखा है। इस कैंपस प्लेसमेंट में जो भी जाना चाहता है वो जाने से पहले रजिस्ट्रेशन करें, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपको रजिस्ट्रेशन करके पहुँच जाना है। डॉक्यूमेंट दस्तावेज की बात करते हैं, सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अप्रोक्स फोटोकॉपी जरूर साथ में लेकर जाएं। साथ ही साथ में इंटरव्यू एड्रेस की बात करते हैं तो कहाँ पे प्लेसमेंट लगाया जा रहा है, श्री महाराव उमेद सिंह स्टेडियम परिषद नयापुरा कोटा के अंदर ये विशाल रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिन यहाँ पर प्लेसमेंट चलने वाले हैं, सभी डॉक्यूमेंट के साथ पहुँचना है। दिनांक 27 जून और 28 जून, यानी 2 दिन यहाँ पर प्लेसमेंट चलेगा। क्लिक हेयर पे क्लिक करके नोटिफिकेशन में आपको पूरी डिटेल भर के आप पहुंच जाइए। यहाँ पे नोटिफिकेशन ITI Job 2021 पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे उन्होंने देखे कि रोज़गार पाने का सुनहरा अवसर है, रोज़गार में 15,000 से ज़्यादा यहाँ पे नौकरियाँ मिलेगी। नामी कंपनियाँ द्वारा मौके पर ही प्लेसमेंट 10,000 से ज़्यादा सेक्टर और 60 से अधिक कंपनियाँ आ रही है। अशोक गहलोत द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। साथ ही साथ में आपको पहुंच जाना है नयापुरा स्टेडियम के अंदर, जो कोटा के अंदर पड़ता है, जो नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहां से आप क्लिक हेयर पे क्लिक करके आवेदन भी कर सकते हो, आवेदन करके ही आपको पहुंचना है। देन आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगे फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर देख सकते हो अभ्यर्थी का मेल, ईमेल आईडी, नंबर, जिला, लिंग, पुरुष या फीमेल जा रही, गृहस्थल, पिन कोड डालकर आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस का या अनुभव है तो भी आप जन आधार कार्ड अपना पूरा डिटेल यहाँ पे डाल के नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाना है और फॉर्म को सबमिट करके पहुँच जाना है। देन आई होप कि वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे वीडियो शेयर करना ना भूलें। ऑल इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं दे रखा है। अगर वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है तो कॉल करके पूछ लीजिए।